रहमानिरहीम। दादो के किचन से, दादो की तरफ से मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो गोश्त, आधा किलो अरवी, और इसके लिए 4 अदद बड़े टमाटर मोटे मोटे काट लिए हैं, 2 हरी मिर्च, 2 बड़े प्याज ये भी बड़े बड़े काट लिए हैं, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा मग ऑयल, और मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी, सारा गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा, ये आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, ये सब एक एक चम्मच है। देखें जी, जिस ऑयल के अंदर मैंने प्याज लाल किए हैं वो मैंने निकाल के ग्राइंड कर लिए। अब इसी में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और इसको 1 मिनट के लिए मैं भूनूंगी, और इसके अंदर अब मैं अरवी डाल दूँगी। ये जी, मैंने 5 मिनट के लिए अरवी को इसमें भून लिया। अब इसमें गोश्त डाल रही हूँ, गोश्त के साथ ही ये टमाटर और प्याज जो मैंने पीस लिए थे वो हैं, और हरी मिर्च भी इसके अंदर शामिल है। ये मैं टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का मिक्सचर जो है वो मैंने इसमें डाल दिया इसके अलावा, और ये सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला, ये भी इसके अंदर जाएगा। अब इसको मैं भून लेती हूँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए जी कितनी अच्छी तरह से इसके ऊपर ऑयल आया है और इसकी कितनी अच्छी शक्ल है अरवी और गोश्त की। ये अभी अरवी भी कच्ची है और गोश्त भी कच्चा है। मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे शोरबे वाली अरवी चाहिए। मेरे घर में मेरे बच्चे शोरबे वाली अरवी पसंद करते हैं। ये देखें जी, मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको अब मैं 20 मिनट के लिए दरमियानी आग के ऊपर रखूंगी, और फिर ये गोश्त भी गल जाएगा, अरवी भी गल जाएगी। मैं फिर आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाती हूँ। ये देखिए जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से अरवी गोश्त की कितनी प्यारी शक्ल बनी है। गोश्त भी गल चुका और अरवी भी गल गई है। अब इसको मैंने डिश आउट कर दिया है, आप इसको बनाएं और खाएं, बहुत मज़ा आएगा। घर के फुलके के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। दादो के किचन से, दादो की तरफ से, अल्लाह हाफिज़।